वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khaled. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैक मिस्ट्री। बता दें दोस्तों कि फ्लाइट उस दिन वक्त पर थी और समय के अनुसार उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे उड़ान भरी थी। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस को एक नोट दिया जो कूपर के पीछे ही जंप सीट पे बैठी हुई थी। कूपर ने फ्लोरेंस से कहा कि मिस, बेहतर होगा कि अगर आप उस नोट को देखें, मेरे पास एक बॉम्ब है। बिना कुछ सोचे फ्लोरेंस ने नोट खोला जिसमें पेन से साफ सुथरे शब्दों में कूपर ने लिखा था, मिस मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें। फ्लोरेंस ने जैसे ही वो नोट पढ़ा वो दंग रह गई। उसने चुपचाप वो नोट कूपर को लौटा दिया और जैसा कि कूपर ने कहा था फ्लोरेंस उसके साथ बैठ गई। फ्लोरेंस ने उसके बाद कूपर से बॉम्ब दिखाने के लिए कहा। कूपर ने फिर अपना ब्रीफकेस फ्लोरेंस की तरफ हल्का सा खोल दिया। फ्लोरेंस ने देखा कि ब्रीफकेस में 2 रोज में 4 सिलेंडर्स थे जिसे उसने डायनामाइट समझा। सिलेंडर्स एक दूसरे से वायर के थ्रू अटैच थे और उसमें एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल बैटरी भी लगी हुई थी। कूपर ने ब्रीफकेस बंद कर दिया और फ्लोरेंस को अपनी डिमांड बताई। कूपर ने डिमांड किया था कि उसे शाम 5 बजे से पहले एक बैग में $2 मिलियन चाहिए। इसके अलावा वो 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स भी चाहता है और उसने पैसों को अमेरिकन करेंसी में ही होने की बात कही थी। फ्लोरेंस कॉकपिट में ही रही और उसके बदले में दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैकलो कूपर के बगल में जाकर बैठ गई और उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो क्रू मेंबर्स और कूपर के बीच की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रही है। कूपर ने इसके बाद नई डिमांड की जैसे कि फ्लाइट को सीटल में लैंड करवाना और सारे पैसेंजर्स को तब तक बिठा के रखना है जब तक मैकलो पैसों को कूपर तक नहीं पहुंचा देता। कूपर के अनुसार जब उसके हाथों में एक बार पैसे आ जाएंगे तब वो पैसेंजर्स को छोड़ देगा। मैकलो ने बाद में कूपर के बिहेवियर को लेकर कहा कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था। वो कहीं से भी क्रूर या बुरा इंसान नहीं था बल्कि वो अच्छे से बर्ताव कर रहा था। जब तक प्लेन आगे बता दी कि सीटल का चक्कर लगा रहा था तब तक मैकलो कूपर से बातें कर रही थी। मैकलो ने कूपर से पूछा कि आखिर उसने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को ही क्यों हाईजैक करने के लिए चुना। इस पे कूपर ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। कूपर ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे आपकी एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे शिकायत है। कूपर ने फिर मैकलो से पूछा कि आखिर वो कहाँ से है। मैकलो ने जवाब दिया कि वो मूल रूप से पेंसिल्वेनिया से है लेकिन फिलहाल मिनीपोलिस में रह रही है। मैकलो ने फिर कूपर से पूछा कि आखिर वो कहाँ से है और इस सवाल पे कूपर उदास हो गया और जवाब देने से मना कर दिया उसने। तो दर्शकों आपको क्या लगता है आखिर क्यों कूपर ने जवाब देने से मना कर दिया? कौन है डैन कूपर? जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोस को। हम इसके आगे कहानी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है ख्याति।